सवाल ये है कि किसी जीप को घोड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए ऐसे पहाड़ी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? और इसका जवाब है ये सुंदर दृश्य, जो कि ऊंचाई से और भी खूबसूरत नजर आता है। और ये खूबसूरत नजारा है राजस्थान के पाली जिले में स्थित जवाई डैम का। दोस्तों, जवाई डैम दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और उदयपुर से रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप बाय रोड भी आराम से जा सकते हैं, जो कि जयपुर से करीब 390 और उदयपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाया गया ये डैम कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये डैम का फ्रंट पार्ट है। यहाँ तक तो आप किसी भी वाहन से आराम से आ सकते हैं, लेकिन जवाई डैम का बाकी हिस्सा देखने के लिए हमें जीप सफारी की जरूरत होती है, क्योंकि डैम की छिपी हुई खूबसूरती बिना 4x4 जीप के संभव नहीं है। आवे हैं जवाई डैम के आखिरी छोर के नजदीक, जो कि सच में बिना इस जीप सफारी के संभव नहीं था। जवाई में जीप सफारी सिर्फ डैम देखने के लिए ही नहीं की जाती। यहाँ के जंगलों में लेपर्ड की साइटिंग यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, और इसके लिए टूरिस्ट सुबह और शाम दोनों ही सफारी यहाँ करते हैं। हमें भी शाम वाली सफारी में लेपर्ड के इन दो बच्चों के दूर से ही सही पर दर्शन तो हुए। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हमारी जीप टेक ऑफ करने की तैयारी में है। वैसे तो इस तरह की जगह पर आने के लिए ट्रैकिंग ही बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन जंगली जानवरों की वजह से जीप ही एकमात्र सेफ ऑप्शन है। यह है जवाई डैम का दूसरा छोर, जिसे हम सबसे ज्यादा ऊंचाई से देख पा रहे हैं। दोस्तों, जवाई डैम के करीब सभी हिस्सों को देखने के बाद अब हम अपने रिसॉर्ट चलते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी जीप को धरती पर सुरक्षित लैंड करवाना होगा।
ये है हमारा रिसोर्ट बेड़ा सफारी लॉज, जिसने कि हमें एक कारगर 4x4 जीप के साथ ही एक व्यवस्थित और आरामदायक स्टे उपलब्ध करवाया। दोस्तों, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें बेड़ा की अलग लोकेशन पर जाना होता है, जहां अंधेरे में भी कई बार लेपर्ड की साइटिंग के चांसेस होते हैं। आज की इस सुबह की शुरुआत होती है भालू की इस फैमिली के दर्शन के साथ। दोस्तों, बेड़ा में सफारी सिर्फ लेपर्ड की साइटिंग के लिए ही नहीं की जाती। इस सफारी का जो रोमांच यहाँ की पहाड़ियों में है, वैसा किसी और नेशनल पार्क में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रास्ते हैं ही नहीं। यहाँ डायरेक्ट चट्टानों को चीरकर आपको आगे निकलना होता है। अब आप देखिए, सामने एक पहाड़ द्वारा हमें रोकने की कोशिश की गई है, पर हमारी जीप के जॉकी ऋतुराज को रुकना मंजूर नहीं। तकरीबन 60 डिग्री एंगल की इस चढ़ाई को ऋतुराज बड़ी कुशलता से पार तो कर लेते हैं, पर हमारी सांसें कुछ देर के लिए रुक सी जाती है। ये मेरे जीवन की एक अद्भुत सुबह थी, इसलिए नहीं कि यहाँ के नज़ारे कुछ खास थे, या शायद इसलिए भी नहीं कि यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। अद्भुत इसलिए कि यहाँ जनवरी की कड़ाके वाली सर्दी में सूर्योदय के साथ ही हमें गर्म चाय नसीब हो गई। वाह, ये है बेड़ा सफारी की खास बात, जो इसे बाकी के जंगलों की सफारी से कुछ अलग बनाती है। पहाड़ी से उस पहाड़ी, इस छोर से उस छोर तक जाना, बस यही सब करते रहना आपको इतना रोमांचित कर देता है कि
अगर आपको कोई वाइल्ड एनिमल ना भी दिखे तो दोस्तों अफसोस नहीं होता। और फिर ये भी तय है कि पहाड़ी के जिस आखिरी छोर तक आप गए हैं, आखिरकार वहां से वापस आना भी तो उतना ही कठिन होगा। फ्रेंड्स, ये था जवाई डैम और बेड़ा की सुबह व शाम की सफारी का रोमांचकारी अनुभव। फिर मिलेंगे वीकेंड से हटकर किसी और हॉलिडे के अनुभव के साथ। नमस्कार।